बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्टेट लाइन एक्सरसाइज 2.1 पढ़ा रही थी। एक्सरसाइज 2.1 अब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज से हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टेट लाइन टाइप 1 मिड पॉइंट फॉर्मूला समझते हैं। ये एक क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2। अब कोई पॉइंट मिड से बिल्कुल सेंटर से इस वाली लाइन सेगमेंट को क्या करे, बाइसेक्ट करे, दो हिस्सों में तकसीम करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो हिस्सों में क्या करना, कि तकसीम करना, दो हिस्सों में तकसीम करें। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का एब्सिसा होता है x=x1+x2/2 और ऑर्डिनेट होता है y1+y2/2। यह हमारे पास जो होता है, ये कंप्लीट हमारे पास होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप लोग को समझ में तो आ गया होगा ना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 स्टेट लाइन के अंदर, वो होंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 18, 21 और 23। मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी एक्सरसाइज 2.2 का। तो देखते हैं कि बुक का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ, हमें जो है दो पॉइंट दिए हुए हैं। मैं आपको डायग्राम में पहले समझा दूँ बना के। ये देखें, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,0 और दूसरे का पॉइंट क्या दिया हुआ है 5,0। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट, ये दो जो जॉइंट हो रहे हैं इसका जो है हमें ये मालूम करना है, मिड पॉइंट ये मालूम करना है हमें। अजान हो गई है, अजान ख़त्म हो गई है, चले आए। हम क्या समझ रहे थे कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट 3,0 है और दूसरा पॉइंट है 5,0। ये दो जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं। जो बीच का जो मिड पॉइंट है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं, डेटा बनाते हैं। 3,0 इसको सपोज कर लिया x1, y1। दूसरा पॉइंट है 5,0 इसको सपोज कर लिया x2, y2। मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। x1 क्या है हमारे पास 3, x2 क्या है हमारे पास 5/2, y1 क्या है हमारे पास 0 और y2 क्या है हमारे पास 0/2। x=5+3 होते हैं 8/2, 0 + 0 होता है 0/2, 2 × 1 = 2, 4 = 4। एब्सिसा आ गया हमारे पास मिड पॉइंट का 4 और ऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो 0 ही आता है। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। एक पॉइंट है 0,4, दूसरा पॉइंट है 0,-4। ये जो पॉइंट है हमें मिड पॉइंट, ये हमें क्या करना है, फाइंड। तो हम डेटा बनाते हैं 0,4 इसको सपोज x1, y1, 0,-4 इसको सपोज x2, y2। मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। x1 क्या है हमारे पास 0, x2 क्या है हमारे पास 0/2, y1 क्या है हमारे पास 4, y2 क्या है हमारे पास -4/2। x=0+0 होता है 0/2, 4±/2। एब्सिसा आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का 0 और ऑर्डिनेट आ गया 4-4 होता है 0। 0 से डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। एब्सिसा भी 0 आ गया और ऑर्डिनेट भी 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का आंसर, जो हमारे पास जो मिड पॉइंट आ गया है ये आया है। पार्ट 3 समझते हैं, 5,7 डायग्राम में समझते हैं। 5,7 दूसरा है -17,-7। ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक पॉइंट को हमने सपोज कर लिया x1, y1, दूसरे पॉइंट को -17, -7 इसको सपोज कर लिया x2, y2। मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x1 क्या है हमारे पास 5, x2 क्या है हमारे पास -17/2, y1 क्या है हमारे पास 7 और y2 क्या है, y2 है -7/2। 5 + −-17/2, y =
प्लस माइनस माइनस टू। 17 माइनस फाइव होता है 12, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 12 अपॉन टू, और ये 7 माइनस सेवन 0 अपॉन टू। एफसीसा आया हमारे पास माइनस सिक्स, पार्ट थ्री का आंसर, और ऑर्डिनेट आया हमारे पास 0। ये हमारे पास आ गया है आंसर, पार्ट वन का भी, पार्ट टू का भी और पार्ट थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर समझते हैं, एक्सरसाइज 2.2 कुछ चैप्टर टू स्ट्रेट लाइन का। P 3.4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ A 7.8 एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। डायग्राम में समझते हैं, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, P 3.4। एक पॉइंट दिया हुआ है A 7.8, और जो B है इसके हमें कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इसको हमने सपोज कर लिया एक्स डैश वाई डैश। डेटा बनाते हैं, एक पॉइंट क्या दिया हुआ था हमें 7.8, जो आपस में क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। एक पॉइंट ये दिया हुआ था बी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, मिड पॉइंट ये दिया हुआ था। एक पॉइंट था 7.8, इसको सपोज x1, y1। दूसरा जो था हमें जिसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं उसका हमें BX'Y' x2, y2। और ये जो बीच का जो है मिड पॉइंट ये दिया हुआ है 3.4 x, y। जैसे यहाँ पर जो है, अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ कोई और चीज़ लिखा हुआ होता है, डिस्टेंस लिखा हुआ होता है, कोई और भी चीज़ लिखी हुई होती तो यहाँ पर वो चीज़ यूज़ करते, लेकिन यहाँ क्या है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है। जब मिड पॉइंट लिखा हुआ है तो क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करना है हमें ये क्वेश्चन। हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, बी के। इसको हमने x'y' सपोज कर लिया, जो पॉइंट बीच का होता है इसको हमेशा जो है, जो पॉइंट होता है इसको x, y ही लेते हैं, और जो साइडों के जो जॉइंट कर रहे होते हैं आपस में इसको x1, y1, इसको x2, y2 लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास 3, एक्स वन क्या दिया हुआ है हमारे पास 8, एक्स टू क्या दिया हुआ है x'/2, वाई क्या दिया हुआ है हमारे पास 4, वाई वन क्या दिया हुआ है 8, वाई टू क्या दिया हुआ है y'/2। 2, 3 = 6, 7 x'/2, 4 = 8, 8 + y'=6। यहाँ पर जो है 7 क्या है, राइट साइड पे प्लस का है, राइट लेफ्ट साइड पे आके माइनस 7 हो जाएगा x'। राइट साइड पे जो है प्लस का 8 है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा x'। के हमारे पास जो एब्सिसा जो आया हमारे पास b के जो कोऑर्डिनेट आए, एब्सिसा जो आया हमारे पास -1। 7 में से 6 जाते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का, तो बड़ी वैल्यू में जो है माइनस का साइन वो आ गया हमारे पास, एफसीसा आ गया -1। ऑर्डिनेट 8 - 8 होता है 0, ऑर्डिनेट आ गया 0। द रिक्वायर्ड पॉइंट बी -1, 0, ये हमारे पास आ गया है आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और समझाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 18 और 21 के साथ। अल्लाह हाफिज़।